का आज पुण्यतिथि है। जिसे हम सब आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव जी के योगदान देश कभी नहीं भुला सकता। चाहे वो 18 साल के उम्र के नौजवानों को मताधिकार का अधिकार उन्होंने दिया, पंचायती राज और संचार क्रांति उनकी देन है। पंचायतों को मजबूत करना ये राजीव जी की सोच रही है। राजीव जी के योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते और आज उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है। हम सभी ने, भारतवासियों ने राजीव जी की पुण्यतिथि पर सबने शपथ ली है और उन्हें भावभीना श्रद्धांजलि अर्पित कर सवाल उठ रहा है और चुनाव आयोग पे भी सवाल का निशान आ गया है। चुनाव आयोग के बारे में पूरे देश भर में उनके कार्यशैली पर उंगली उठ रही है, उसके निष्पक्षता पर उंगली उठ रही है और ईवीएम के बारे में पहले भी शंका जाहिर कर चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी को छोड़कर सभी ने उसमें सुधार लाने की बात की है। वीवीपैट में की गिनती यदि एक जगह गलत मिलता है तो उसकी पूरी गणना वीवीपैट से करना चाहिए। ये मांग राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया है और जो कि वाजिब है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भर है, हकीकत उससे विपरीत है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आके 65+ की बात कही थी और हम लोग 68 सीट जीते हैं। लक्ष्य वो निर्धारित करते हैं, हासिल हम करते हैं। अभी भी वो 300 पार की बात किए हैं, देख लीजिएगा 23 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 300 यूपीए को मिलेगी। कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस तरह का मौन धारण किया गया पर जो बयान दिया था उसके बाद उसको पश्चाताप करने के लिए उन्होंने 21 पहर का मौन धारण किया। ये कितना भी नौटंकी करते रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी असली बात जो आरएसएस से वो आई है, भारतीय जनता पार्टी में तो चुनाव जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ तब उन्होंने सदस्यता ली, लेकिन असली जो उनके मन में जो विचार है गोडसे के प्रति वो सब सामने आ चुका है। अब कितना भी नाटक नौटंकी कर ले उसे फर्क नहीं पड़ता। समीक्षा बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक क्या खास रहेगा? आपकी पहल का कोई असर नहीं नजर आ रहा है नक्सलियों के ऊपर? देखिए, ये इस प्रकार से कराना हरकत तो करते रहे हैं और हमारे जवान उसका मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। पूर्व नक्सली को पिछले समय मार गिराया गया है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। समीक्षा बैठक में आज किस तरह के नाम आए, अजय चंद्राकर का नाम आ रहा है, ये समीक्षा बैठक है बघेल जी?